Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And after discussing humanism, this time here I am here to discuss educational implications of humanism with you all. क्योंकि हम लोगों ने हर हर फिलॉसफी के साथ इसका शैक्षिक नेतृत्व पढ़ा है या हमें पता होना चाहिए कि इस फिलॉसफी की वजह से शिक्षा में क्या चेंज आया, हमारी मेथोडोलॉजी में क्या नयापन आया, हमने किस नए तरीके से पढ़ना पढ़ाना सीखा है, किस वाद ने शिक्षा को क्या दिया है, हमने सबके बारे में जाना है। तो इस वक्त मानवतावाद की बारी है कि मानवतावाद से शिक्षा को क्या मिला, मानवतावाद दर्शन ने शिक्षा को क्या दिया है, ये जानते हैं। तो एजुकेशनल उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए मानवतावाद क्या है। तो आपको आपसे मैंने डिस्कस कर लिया कि मानवतावाद में मनुष्य, मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की शक्ति, मनुष्य का जन कल्याण, मनुष्य का कल्याण, उसकी खुशी, उसका फुलफिलमेंट, ही सब कुछ। तो ये कुछ प्रिमाइसेस हैं ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के, जैसे कि ए प्रिंसिपल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड लर्निंग एंड एन एनवायरनमेंट दैट फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ द फुल पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों फुल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे बात कर ली है कि ह्यूमनिज्म का मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, हम उस दशा में पहुंच जाएं कि जो हमारा संपूर्ण शक्ति है वो निकल के आए, वहां तक हम पहुंच सके। तो शिक्षा का प्रैक्टिकल पर्पस क्या है कि हम आपको सिखाएं और ऐसा वातावरण दें जिससे आपकी पूरी शक्ति बाहर निकल के आए, उसका उसके अचीवमेंट में फैसिलिटेशन बने, फैसिलिटेटर बने, सहायक बने, और बच्चे की, स्टूडेंट की पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज कॉग्निटिव ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। यानी कि आपकी वैयक्तिक वृद्धि और आपकी सांवेगिक संज्ञानात्मक वृद्धि शिक्षा को कर सकनी चाहिए। फॉर लर्निंग टू बी सिग्निफिकेंट फीलिंग्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड पुट टू यूज। देखिए, ये बार बार आपको मिलेगा कि ये कॉग्निटिव डोमेन के संग इफेक्टिव डोमेन की भी बात ह्यूमनिज्म कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य बिना फीलिंग्स के तो कुछ है ही नहीं। फीलिंग्स तो उसका इतना आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो कह रहे हैं अगर आप अधिगम को अच्छा बनाना चाहते हैं, सिग्निफिकेंट बनाना चाहते हैं, प्रभावपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो फीलिंग्स यानी जो महसूस करने की क्षमता है, जो आपके भाव हैं, उनको भी पहचानिए और उनका यूज कीजिए। हैविंग हेल्दी रिलेशनशिप्स विद अदर क्लासमेट्स इज मोर कंड्यूसिव टू लर्निंग। यानी कि जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपके दोस्त हैं, उनके संग अगर आपका रिलेशनशिप हेल्दी होगा तो अधिगम अच्छा होगा और सुगम तरीके से हो जाएगा। इंक्रीजिंग वन सेल्फ स्टीम इज ए मोटिवेटिंग फैक्टर इन लर्निंग। वो कह रहे हैं कि अगर आपको बच्चे को मोटिवेट करना है सीखने के लिए तो उसको आप सेल्फ स्टीम बढ़ाना होगा। और टू इनकरेज द पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी हैं उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की शक्ति बढ़ानी होगी, यानी कि वो तार्किक रूप से चिंतन कर सके, इस शक्ति को बढ़ाना होगा, इस शक्ति को प्रोत्साहित करना होगा। और रोजर्स, हमको पता है कार्ल रोजर की हम क्यों बात करें, क्योंकि कार्ल रोजर ने हमको रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ का कंसेप्ट दिया। वो कह रहे हैं कि यूज इज द टर्म ट्रांसफॉर्मेटिव पेडागॉजी। रोजर ने ट्रांसफॉर्मेटिव पेडागॉजी के शब्द को यूज किया है टू शो दैट इन ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन द कंसंट्रेशन इज अवे फ्रॉम टीचिंग एंड मूव्स टुवर्ड्स लर्निंग। वो कह रहे हैं क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमनिस्टिक टाइप की एजुकेशन है उसमें सारा कंसंट्रेशन टीचिंग से हटा के हम लर्निंग की तरफ ले गए, स्टूडेंट सेंटर्ड अपने आप हो गया, है ना। और क्या कह रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसमें, स्टूडेंट शुड बी एबल टू चूज व्हाट दे वांट टू लर्न। विद्यार्थी को ये, उसके पास क्षमता होनी चाहिए, ये शक्ति होनी चाहिए, ये वो इस योग्य हो कि वो चुन सकें जो वो पढ़ना चाहते हैं। ह्यूमनिस्टिक टीचर्स बिलीव दैट स्टूडेंट्स विल बी मोटिवेटेड टू लर्न ए सब्जेक्ट इफ इट्स समथिंग दे नीड एंड वांट टू। यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा प्रयोजन बात से मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि बच्चा वो उस चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेटेड होता है, उस विषय को जिसको भी वो लगता है कि उसकी उसको आवश्यकता है, वो जानना चाहता है। द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी टू फोस्टर स्टूडेंट्स डिजायर टू लर्न एंड टीच देम हाउ टू लर्न। हमको विद्यार्थी की उस शक्ति को फोस्टर करना है, बल देना है, सुविधा देनी है, जिसमें कि वो डिजायर, उसके अंदर सीखने की ललक जागे और हम उसको ये सिखाएं कि सीखना कैसे है, कैसे सीखा जा सकता है, क्या सीखना है, ये विद्यार्थी डिसाइड करेगा। स्टूडेंट शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड इन देयर स्टडीज एंड डिजायर टू लर्न ऑन देयर। व्यक्ति, विद्यार्थी जो है वो स्व अभिप्रेरित होना चाहिए अपने पढ़ने लिखने के लिए और उसके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि वो सीख सके खुद से। ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर्स बिलीव दैट ग्रेड्स आर इररिलेवेंट एंड दैट ओनली सेल्फ इवैल्यूएशन इज मीनिंगफुल। ये लोग बात कर रहे हैं कि ग्रेड का कोई मतलब नहीं, आपका ए बी सी ग्रेड आया इससे मतलब नहीं, आप अपना इवैल्यूएशन कीजिए कि आपकी जो शक्ति थी, आपकी जो क्षमता थी, उसमें आप कहाँ तक खड़े उतरे। फिर ये बोथ फीलिंग्स एंड नॉलेज आर इंपॉर्टेंट टू द लर्निंग प्रोसेस। कॉग्निटिव और इफेक्टिव दोनों ही डोमेन्स की बात की गई है। डू नॉट सेपरेट द कॉग्निटिव। इन्होंने कहा कॉग्निटिव इफेक्टिव डोमेन को सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, जो व्यक्ति है उसी का संज्ञान है, उसी के भाव है, दोनों मिलाकर चलना है।
और इन्होंने कहा कि स्कूल्स नीड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ए नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट सो दैट दे विल फील सिक्योर टू लर्न. तो कहना है ये जो विद्यालयों का इंस्टीट्यूशंस का ये काम होना चाहिए कि वो विद्यार्थियों को एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट दे सके जिसमें भय का कोई भय रहित वातावरण दे सके जिससे कि वो सीखने के लिए सिक्योर फील करेंगे. और इंस्ट्रक्शन के लिए क्या इंप्लीकेशन है, स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, स्टूडेंट शुड लर्न अबाउट देयर कल्चरल हेरिटेज, विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में पता होना चाहिए, सेल्फ डिस्कवरी करें, सेल्फ स्टीम से सीखें. फिर करिकुलम शुड प्रमोट एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कवरी, चूंकि लर्निंग बाई डूइंग की बात है तो प्रयोग से सीखें, खोज के सीखें. और करिकुलम शुड बी डिजाइन टू सॉलिसिट स्टूडेंट्स पर्सनल नॉलेज, टेक इन टू अकाउंट इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, क्योंकि मानव पर बल है, मनुष्य की इच्छा है, मनुष्य जो चाहेगा वो पढ़ेगा, उसका जो पढ़ने का मन है, उसको जो लगता है उसके लिए जरूरी है वो पढ़ेगा. इसलिए आप लर्निंग स्टाइल्स, ये नीड्स एंड इंटरेस्ट में ऐसे धरा गया. तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं उनकी लर्निंग स्टाइल अलग हो सकती हैं, आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं, उनकी रुचियाँ अलग हो सकती हैं. तो आप उनको ऑप्शन दीजिए लर्निंग और डिस्कवरी एक्सपीरियंसेस के, बहुत सारे ऑप्शन के हिसाब से अपने डिजाइन बनाइए कि जिसको इस तरह से करना है वो ऐसे करे, जिसको ये अच्छा लगता है वो ऐसे करे, इस तरह से. अलाउ स्टूडेंट्स इनपुट इन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जब आप अधिगम अपने अनुदेशन के उद्देश्य बनाइए तो विद्यार्थियों को भी उसमें शामिल कर लीजिए कि वो उनके हिसाब से क्या उद्देश्य होना चाहिए. और इंस्ट्रक्शन शुड फैसिलिटेट पर्सनल ग्रोथ, और विद्यार्थी की जो वृद्धि है, पर्सनल वृद्धि है, उसको फैसिलिटेट करने वाला, उसको सहायता प्रदान करने वाला, उसको सुविधा प्रदान करने वाला अनुदेशन होना चाहिए. विद्यार्थी की क्या भूमिका है, विद्यार्थी स्टूडेंट मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इनिशिएटिंग लर्निंग. बार बार बात की जा रही है कि सेल्फ मोटिवेटेड, हम आपसे ना कहें कि पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, आपको खुद ये अभी प्रेरणा, आप इतने अभी प्रेरित हों कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई में खुद से शुरू करें उसको. बी ट्रूथफुल, आप अपने लिए सच्चे हों अबाउट वन्स ओन वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड इमोशंस एंड एक्सेप्ट देयर वैल्यू एंड वर्थ. आप अपने मूल्य को, अपनी कीमत को पहचानिए, अपने एटीट्यूड इमोशंस और वैल्यूज को पहचानिए और उसके प्रति सच्चे रहिए. ऐसा नहीं कि हम चाहते कुछ और हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं. बिकम इंपैथेटिक फॉर द वैल्यूज कंसर्न्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स, क्यों, क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, बगल वाला भी मनुष्य है, सामने वाला भी मनुष्य है. तो हमको अनुभूति रखनी चाहिए जो दूसरे लोग हैं उनके भी मूल्य हो सकते हैं, सरोकार हो सकते हैं, आवश्यकताएं हो सकती हैं उनके लिए. डिस्कवर हाउ टू फिट वन्स वैल्यूज एंड बिलीव्स इनटू अ सोसाइटल रोल, और हम चूंकि समाज का हिस्सा है तो हमारी वैल्यूज और बिलीव्स एक समाज में कैसे फिट बैठेंगे हमको ये भी खोजना है, सोचना है. और हमको दूसरे लोगों के व्यू पॉइंट को भी ओपनली एक्सेप्ट ना करें तो कम से कम सुने, ये नहीं कि दूसरे की बात सुननी नहीं, जो हम कह रहे हैं वही सच है, वही सही है, वही एक तरीका है, ऐसा नहीं होगा. ये विद्यार्थी की भूमिका है. और शिक्षक की क्या भूमिका होगी कि हम क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे लर्निंग, बच्चा खुद चुनेगा उसको क्या चुनना है, डिस्कवरी से सीखेगा, सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखेगा. और हमें सिर्फ फैसिलिटेटर और पार्टिसिपेटिंग मेंबर की भूमिका निभानी है. एक्सेप्ट एंड वैल्यू स्टूडेंट्स एज वायबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, हमें ये स्वीकार करना है और उनको मूल्य देना है विद्यार्थियों को, ये मानना है कि वो भी समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं. गाइड द स्टूडेंट इन डिस्कवरिंग द गैप बिटवीन द रियल एंड द आइडियल सेल्फ, ये बात आपसे बार बार हो रही है. रोजर्स ने बताया था कि एक होता है हम जो वास्तविक रूप से होते हैं और एक हमारा सेल्फ होता है जो हम आइडियल, कि हमको ऐसा होना चाहिए, शिक्षक ऐसा होना चाहिए, विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए, हमेशा ही उसमें गैप होते हैं, मतलब हम एक्चुअली वैसे होते नहीं है जैसा हमको होना चाहिए. तो हम स्टूडेंट को गाइड करें कि वो पहले तो वो गैप खोजें, कौन से गैप हैं, और फिर उनको फिल करने की कोशिश कर सकें. मैक्सिमाइज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, जितना ज्यादा हो सके व्यक्तिकृत अगर अनुदेशन हम लोग दे सकें देन इट इज वेल एंड गुड. और हम क्रिएटिविटी, इंसाइट और इनिशिएटिव को हमें प्रमोशन देना होगा. अगर हम ह्यूमनिस्टिक विचारधारा के शिक्षक हैं तो, या ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी ने शिक्षा को ये दिया कि स्टूडेंट सेंटर्ड हो, हम स्टूडेंट्स चॉइस की बात करें हम, तो आप कह सकते हैं कि जितना भी आप नया देख रहे हैं NEP 2020, सब स्टूडेंट सेंटर्ड है, सब में फ्लेक्सीबिलिटी की बात है. मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री क्या है, ये स्टूडेंट के नीड के हिसाब से, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से काम. तो ये सारा कुछ आप कह सकते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशनल फिलॉसफी है उस पर ह्यूमनिज्म का बहुत इम्पैक्ट है. ओके, सो इन दिस वे आई हैव कवर्ड ऑल फिलॉसफीज एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस विद यू. सो ऑल द बेस्ट, गो थ्रू माय वीडियोस, लर्न इट, एम्ब्रेस इट, ग्रेस्प इट एंड मेक योर नोट्स एंड गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.